आज हमारा प्रैक्टिकल का तीसरा दिन है, बराबर। पहले दिन में हमने क्या सीखा, मशीन चालू करना, बंद करना, साथ ही साथ मशीन में कौन कौन से पार्ट है उसके बारे में हमने जानकारी लिया, जैसे चक, टरेट, टूल वगैरह ये। उसके बाद हमने सेकंड प्रैक्टिकल में कल हमने क्या सीखा, ऑपरेशन पैनल। ऑपरेशन पैनल में कौन कौन से मोड होते हैं, जोग मोड में क्या किया जाता है, MDI में क्या किया जाता है, एडिट में प्रोग्राम कैसे डाला जाता है, ये सीखा। उसके बाद आज हमने कंट्रोल पैनल सीखा, थ्योरी में भी और प्रैक्टिकल में भी। साथ ही साथ आज हम आगे बढ़ेंगे ऑफसेट सेटिंग। जो थ्योरी में मैंने आपको बताया कि ज्योमेट्री ऑफसेट से हमें ऑफसेट निकालना होता है, ठीक है ना, तो प्रैक्टिकली ऑफसेट कैसे निकाला जाता है ये मैं आपको दिखाऊंगा। ज्यादा लंबा प्रोसीजर नहीं है, 2-3 मिनट में आपका ऑफसेट हो जाएगा। मैं दिखाने के बाद पर्सनली आपको आगे आना है और ऑफसेट निकालना है, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, देखो, जिस टूल का आपको ऑफसेट निकालना है उसे इंडेक्स करके लेना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, जोग मोड में जाएंगे। जोग मोड में जाने के बाद यहाँ पे टरेट जोग है, इसको दबा देंगे। अभी मान लीजिए मुझे किसी 2 नंबर टूल का ऑफसेट निकालना है, तो मैं यहाँ पे देखूंगा 2 नंबर टूल मुझे इंडेक्स करके लेना है, बराबर। 2 नंबर मेरा टर्निंग का टूल है, सामने यहाँ पे हमने जॉब लगाया हुआ है, फेसिंग टर्निंग उसका थोड़ा सा कट हमने निकाला हुआ है क्योंकि वो आउट था मटेरियल, तो आउट को हमने रिमूव कर दिया। उसके बाद क्या कीजिए, जोग में ही यहाँ पे जेड माइनस दबाइए और टूल को आगे लीजिए। ये देखिए मैं माइनस दबा रहा हूं, टूल आगे आ रहा है। उसके बाद एक्स माइनस दबाइए, टूल नीचे आ जाएगा, इस प्रकार से दिख रहा है। अब मैंने क्या किया, देखो जॉब के नजदीक लिया है, लेकिन पूरा नजदीक लिया है क्या, नहीं, दोनों में देखिए गैप है, इधर मेरी उंगली जा रही है उसमें, है ना, इतना डिस्टेंस आपको रखना है क्योंकि रैपिड से आप जाके टकरा सकते हो। तो यहाँ पे क्या करना है, देखिए 10 माइक्रोन में जाना है, एक्स एक्सिस सिलेक्ट करो और टूल को थोड़ा नीचे लेके फेस के सामने लाओ। तो यहाँ पे हैंडविल को माइनस की ओर घुमाएंगे और टूल को नीचे लेंगे, ये देखिए इस प्रकार से। अब मुझे क्या करना है, टूल को आगे लेना है। आगे लेने के लिए एक्सिस कौन सा, जेड, किस तरफ घुमाना पड़ेगा, प्लस की माइनस, माइनस की ओर, तो यहाँ पे माइनस की ओर घुमाएंगे। ये टूल को मैंने फेस के बिल्कुल करीब लिया हुआ है, दिख रहा है, अभी भी मैंने टच नहीं किया, ये जॉब घूम रहा है देखो, मतलब टच नहीं किया। अब मुझे कागज चाहिए, ओके, कागज क्या करेंगे, दोनों के बीच में डाल देंगे, इंसर्ट और जॉब के बीच में। एक हाथ से हैंडविल को धीरे धीरे घुमाना है और दूसरे हाथ से कागज को हिलाना है, ठीक है ना, ये मैंने कागज डाल दिया, इधर हैंडविल घुमा रहा हूं और इधर कागज हिला रहा हूं। मेरे दोनों हाथों की मूवमेंट देखिए कैसे है, ये देखिए टच हो गया। जैसे ही टच होगा कागज क्या हो जाएगा, दोनों के बीच में फंस जाएगा। अब कहां पे जाना है, देखिए मुझे जाना है ऑफसेट में। ऑफसेट में जाने के बाद यहाँ पे ऑफसेट करके लिखा होगा, ऑफसेट दबाइए। उसके बाद यहाँ पे ज्योमेट्री करके लिखा होगा, ज्योमेट्री दबाइए। अब मेरा टूल नंबर कितना है, 2, तो कर्सर को मुझे 2 नंबर पे लेना है, 2 नंबर के जेड पे लेंगे। जेड पे लेने के बाद फेस का जो ऑफसेट है ये मुझे देना है, फेस का ऑफसेट यहाँ पे Z0, तो टाइप करेंगे देखिए Z0.0, क्या टाइप करना है, Z0.0 टाइप करने के बाद, जब टाइप करने के बाद यहाँ पे क्या आएगा, मेजर, तो आपको क्या करना है, मेजर दबाना है। मेजर दबाते ही यहाँ पे वैल्यू देखिए 183 है, मैं मेजर कर रहा हूं, ये चेंज हो गया 184.3 चेंज हो गया, मतलब ये जो डिस्टेंस आया हुआ है 184, ये कहां से कहां तक है, तो रेफरेंस से जॉब के फेस तक ये जो दूरी है वो दूरी यहां पे उसने क्या कर ली, मेजर कर ली, ओके। यानी अभी वो भूलेगा नहीं, उसको मालूम चल गया कि जॉब की शुरुआत कहां से होने वाली है, 184 mm डिस्टेंस के बाद होने वाली है, ये उसको अभी पता चल गया। ऐसे ही क्या करेंगे, टूल को पीछे लेंगे। आप पीछे कैसे लेना है, जेड एक्सिस ही रखना है, प्लस की ओर घुमाना है और टूल को पीछे लेना है, ये देखिए। अब क्या करना है, मुझे इधर टच करना है, तो क्या करना पड़ेगा, टूल को ऊपर लेना पड़ेगा। कैसे लेंगे ऊपर, एक्स इनेबल करेंगे, हैंडविल किस तरफ घुमाएंगे, प्लस की ओर, बराबर, प्लस की ओर घुमाएंगे, टूल को ऊपर लेंगे, ये देखिए आ गया। अब मुझे टूल को आगे लेना है, आगे लेने के लिए क्या करेंगे, जेड इनेबल करेंगे, किस तरफ घुमाएंगे, माइनस की ओर घुमाएंगे, यह आगे आ गया। अब मुझे टूल को नीचे लेना है, क्या करेंगे, एक्स इनेबल करेंगे, किस तरफ घुमाएंगे, माइनस की तरफ घुमाएंगे और इसको नीचे लेंगे। नजदीक आने के बाद, ये नजदीक आ चुका है, अब कागज डाल देंगे इसमें, ये देखिए कागज डाल दिया। एक हाथ से क्या करो, इसको हिलाओ, अच्छे से हिलाओ,
और दूसरे हाथ से क्या करो, हैंडवील को घुमाओ, ये देखो ऐसे दिख रहा है सबको। मेरे हाथों की मूवमेंट देखिए, मैं हैंडवील कैसे घुमा रहा हूं और यहां पे कागज कैसे हिला रहा हूं, ये देखो टच हो चुका है, कागज बीच में फंस गया। अब क्या करेंगे, कर्सर को एक्स के ऊपर लेंगे, उसके बाद मुझे इसका डायमीटर डालना है। इसका डायमीटर कितना है मालूम है, चेक किया है 39.88, बराबर ना, ठीक है। तो यहां पे टाइप करेंगे x 39.88, टाइप कर दिया। टाइप करने के बाद यहां पे क्या आएगा, मेजर, आपको दबाना है मेजर। अब इधर कितना है देखो, 343.860 चेंज हो जाएगा 343.870, मतलब 10 ही माइक्रोन का चेंज हुआ। इससे पहले किसी ने भी ऑफसेट निकाला होगा तो वो सही है, दोनों में, उसके ऑफसेट में और मेरे ऑफसेट में कितना अंतर आया है, 10 माइक्रोन, यानी बाल से भी कम, इतना एक्यूरेट ऑफसेट दोनों का हुआ है, ठीक है। अब टूल को क्या करेंगे, ऊपर लेंगे, ऊपर लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लस, प्लस की ओर घुमाओ और अंत में क्या करना है, टूल को रेफरेंस, रेफरेंस कैसे करेंगे, रेफरेंस मोड सिलेक्ट करो, एक्स प्लस दबाओ टूल ऊपर चला जाएगा, जेड प्लस दबाओ टूल पीछे चला जाएगा, बराबर है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, फेस पे इसको जीरो दे दिया और डायमीटर दे दिया, तो ये जो जॉब का कोना है इसका वैल्यू कितना हुआ, जेड को जीरो और एक्स को 30 कितना 9.88, बराबर है। तो मैं एमडीआई मोड में उसको कॉल करूंगा, किस पोजीशन में, तो जॉब के इस कोने में, इधर आके टच होना चाहिए, ठीक है। तो मैं एमडीआई में जाके उसको कमांड देता हूं, देखिए कैसे दे रहा हूं। एमडीआई में जाएंगे, प्रोग्राम बटन दबाएंगे और इसमें प्रोग्राम डालेंगे, क्या प्रोग्राम डाल रहा हूं देखिए, T0202 एंड ऑफ ब्लॉक इंसर्ट। इस कमांड का मतलब है टूल नंबर दो, ऑफसेट नंबर दो, उसके बाद उसको बताएंगे G00, मतलब रैपिड से आओ, और कहां पे आओ, तो X को 39.88 और Z को 1, यानी कि फेस से 1 mm पीछे, ओके। तो इसको एंड ऑफ ब्लॉक किया, इंसर्ट किया। अब मैं क्या करूंगा, रैपिड से उसको छोड़ूंगा, ये मैंने फिर थोड़ा सा कम कर दिया, साइकिल स्टार्ट किया, टूल आके रुक गया, देखिए है क्या, टूल एग्जैक्ट कहां पे आके रुका है, देखो जॉब के डायमीटर के लाइन में है और फेस से 1 mm दूरी पे। अब उसको कैसे पता चला कि 1 mm मुझे प्लस की ओर रुकना है, क्योंकि मैंने प्रोग्राम में ही दिया था, क्या दिया था, Z1.0, और Z1.0 किधर आएगा, जीरो के इस तरफ आएगा, राइट साइड, बराबर ना, और जीरो के आगे क्या होगा, माइनस होगा। अगर गलती से मैंने माइनस डाला होता तो वो किधर आ जाता, जॉब के ऊपर आ जाओ, समझ में आया। तो इस प्रकार से एक बार हमने उसका ऑफसेट दे दिया तो उसको क्या पता चल जाता है कि जॉब कहां पे है, ठीक है, और उसके मुताबिक हम उसको कोऑर्डिनेट देके उसको बुला सकते। तो जो आप डायमेंशन दोगे, जिस पोजीशन पे आप उसको बुलाओगे, उस पोजीशन पे वो आके रुक जाएगा, समझ में आया। जैसे कि हमारा डायमीटर था 39.88, मैंने उसको दे दिया, वो देखिए उसी पोजीशन पे आया हुआ है। अब उसको मैं क्या करता हूं, देखिए रिटर्न, रेफरेंस कर दिया, हाँ। अब कहां पे बुलाना चाहते हैं आप, पहले कमांड देता हूं T0202, पहले आपको यह बताना पड़ेगा कौन सा टूल चाहिए, है ना, तो जिसका ऑफसेट निकाला है उसी को बुलाना है, कोई दूसरा टूल बुलाना नहीं है, ठीक है। G00, हाँ बोलिए, एक्स कितने पे बुलाओ, अभी 39 तो हो चुका ना, आ गया, मान ले हाँ 40 नजदीक है, थोड़ा 50 या 60 पे बुलाते हैं, है ना, तो देखते हैं कि इससे 20 mm ऊपर रुकता है कि नहीं रुकता है, बराबर है। तो एक 60 पे बुलाता हूं, तो मैं डाल देता हूं यहाँ पे x 60.0, और z को कितना डालेंगे, पीछे रोकना है तो प्लस में डालेंगे, आगे रोकना है तो माइनस में डालेंगे, हाँ, तो z 10 डालते थे, यानी फेस से कितना पीछे, 10 mm पीछे, एंड ऑफ ब्लॉक इंसर्ट। तो टूल नंबर दो, ऑफसेट नंबर दो की मदद से रैपिड से 60 और 10 पे आके क्या होना चाहिए, रुकना चाहिए। साइकिल स्टार्ट करता हूं, आके रुक जाएगा, दिख रहा है, देखिए ये 39 है, इससे टूल ऊपर खड़ा है, दिख रहा है ना ये डिस्टेंस, है ना, यानी आप उसको एक ही डायमेंशन बताते हो तो सब समझ जाता है कि प्लस डालने पे किधर रुकना है, माइनस डालने पे किधर रुकना है, सारे पॉइंट उसको बताने की जरूरत है क्या, ओनली एक पॉइंट बताना है, समझ में आया।
इस प्रकार से ज्योमेट्री ऑफसेट सेट किया जाता है और फिर प्रोग्राम हम डालते हैं और प्रोग्राम को रन करते हैं, ठीक है। और जब बाद में इसमें कुछ करेक्शन आएगा तो वो इसमें दिया जाता है वेयर में, जो कि हम आगे जाके बाद में सीखेंगे, ठीक है। चलिए कौन आएगा पहले ऑफसेट लेने के लिए? आओ चलो, अभी क्या करना है, हर एक को ऑफसेट निकालना है, ठीक है ना। जैसे मैंने दिखाया उसी प्रकार से आपको भी ऑफसेट निकाल के देखना है। अभी हम टर्निंग टूल का सीख रहे, आगे जाके हम क्या करेंगे, यू ड्रिल का सीखेंगे, बोरिंग बार का सीखेंगे, ग्रूविंग टूल का सीखेंगे, थ्रेडिंग टूल का सीखेंगे, यानी सभी टूल के ऑफसेट हमें सीखने, बराबर सही है। नीचे ले लो, फेस के सामने लो इधर, बराबर बराबर बराबर। हाँ अब क्या करना है, हाँ जेड लेना है, 10 माइक्रोन लीजिए, हाँ कागज डालिए बीच में और जोर जोर से हिलाइए कागज, हो गया, हाँ जल्दी हो गया। ज्योमेट्री में जाना है, बराबर। हाँ कितना नंबर है ऑफसेट नंबर? दो नंबर, तो दो नंबर के जेड में जाओ, क्या टाइप करना है, जेड 0.0, बराबर, और मेजर करना है, सही है। हाँ अब टूल को पीछे लेना है, और कहाँ पे टच करना है, डायमीटर पे, बराबर, नहीं नहीं रेफरेंस नहीं है, अभी एक्स का लेना है ना, अभी एक्स का बाकी है हमारा, टूल को डायमीटर पे टच करना पड़ेगा। हाँ बराबर, देखिए जब कोई टूल वर्किंग में है, यानी कि बहुत दिनों से आप यूज कर रहे हो, तो उसका एक्स ऑफसेट बार बार निकालने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन अब हम निकाल क्यों रहे, प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि हम नए हैं ना, तो हमें दोनों का भी प्रैक्टिस होना चाहिए। हाँ हाँ बस बस, कागज डालो और हिलाओ, हाँ हिलाओ, अब समय लग रहा है ना, सेकंड टाइम है ना, अरे क्या यार, फर्स्ट टाइम जेड पे हो गया ना, तो सेकंड टाइम में एक्स पे हो गया, किधर का भी किधर जोड़ देते, हाँ 39.88, चलो मेजर कर दो, ओके चलिए, इनका भी ऑफसेट सही है, डायरेक्ट नहीं करना है, थोड़ा सा एक्स में पहले ऊपर ले लो, थोड़ा सा एक्स में ऊपर ले लो, बराबर बराबर बराबर। हाँ अब रेफरेंस कर सकते हैं, वैसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी जेड जेड भी करो, जेड भी करो, जेड जेड, ओके हो गया, ठीक चलिए बैठ जाइए। नेक्स्ट ठीक है, अभी जब तक ये कर रहा है तब तक बाकी लोग प्रोसीजर लिखिए उसका, चलिए मैं शॉर्टकट में प्रोसीजर लिख के देता हूँ आपको, ठीक है। फानुक कंट्रोल ज्योमेट्री ऑफसेट सेटिंग, ऐसे टाइटल डालिए ऊपर, फानुक कंट्रोल ज्योमेट्री ऑफसेट सेटिंग, धीरे, अब 10 माइक्रोन में लीजिए, हाँ जेड लीजिए, हाँ धीरे धीरे आगे लाइए और टच कीजिए, धीरे 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 धीरे, जोर से हो गया, देखो है ना, अलार्म आ गया, अलार्म आया कि नहीं, है ना, क्यों, इसने गलती क्या की मालूम है, हैंडव्हील को ऐसे नहीं पकड़ा,
उसको पकड़ के ऐसे गोल गोल घुमा दिया, है नहीं बराबर ना। हाँ, तो इसके वजह से क्या हो गया, वो फास्ट जाके टच हो गया उसमें। ठीक है, रिसेट दबाइए, रिसेट और एक बार हो गया। ठीक है, अब थोड़ा सा पीछे लीजिए, लीजिए पीछे, पीछे लीजिए। हाँ, अब दोबारा टच कीजिए आगे लेके। ठीक है, और गड़बड़ नहीं करना है, जितना समय लगेगा उतना मजा आएगा। ठीक है, चलो एक नंबर। सबसे पहले टूल रेफरेंस करो, सबसे पहले टूल रेफरेंस करो। कागज किधर है, फाड़ दिया क्या? ठीक है, फाड़ने का नहीं रे, ऑफसेट में जा। अरे सच में फाड़ दिया उसने, ये देखो है ना, ज्योमेट्री में जाओ, ज्योमेट्री ऑफसेट, ऑफसेट पहले ऑफसेट। हाँ, ज्योमेट्री, ज्योमेट्री किधर है देख, ऑफसेट दबा स्क्रीन पे देख, दिख रहा है क्या इधर, इधर उधर क्या तितलियां गिन रहा है क्या, स्क्रीन पे देख ना ज्योमेट्री। हाँ, जेड में जाना है, अब टाइप करो जेड 0.0। हाँ, अब क्या दबाना है, मेजर दबाना है, दबाओ टूल को पीछे ले लो। चलिए, सबसे पहले टूल रेफरेंस करना है, उसके बाद जिस टूल का ऑफसेट निकालना है उस टूल को इंडेक्स करना है, जिस टूल का ऑफसेट निकालना है उस टूल को क्या करना है, इंडेक्स करना है। जिस टूल का ऑफसेट निकालना है उस टूल को इंडेक्स करना है। ओके, हाँ, इंडेक्स करने के बाद जोग मोड सिलेक्ट कीजिए, जोग मोड सिलेक्ट कीजिए और टूल को जॉब के फेस के सामने लाइए, जॉब के फेस के सामने लाइए। फेस के सामने लाइए, हाँ, एक्स में, एक्स में लीजिए। हाँ, आपने आपने इसको बता रहा हूं। ठीक है, टाइप करो एक्स, एक्स टाइप करो 39.88 मेजर। ओके, अब टूल ऊपर ले लो और रेफरेंस करो। ठीक है, चलिए आप लिखिए कहाँ पे आए, फेस के सामने लाइए। ओके, अब फेस के सामने लाने के बाद चौथा पॉइंट लिखिए, अगला, हैंडव्हील में 10 माइक्रोन सिलेक्ट करें, उसको दो, त्वा रे वो लिखेगा, त्वा हैंडव्हील में 10 माइक्रोन सिलेक्ट करें, जेड एक्सिस सिलेक्ट करें, जेड एक्सिस सिलेक्ट करें और माइनस की ओर घुमा के, माइनस की ओर घुमा के जॉब के फेस को टूल टच करें, माइनस की ओर घुमा के जॉब के फेस को टूल टच करें। टच कर लिया, हाँ, अब दबाना है ऑफसेट, ऑफसेट बटन दबाए, ऑफसेट बटन दबाए। उसके बाद ऑफसेट सॉफ्ट की दबाए, ऑफसेट सॉफ्ट की दबाए। ये देखो इसको भी गड़बड़े, देखो है ना, इसने भी जोर से दे दिया उसको, ऑफसेट सॉफ्ट की दबाए, ज्योमेट्री दबाए, ज्योमेट्री दबाए। ज्योमेट्री दबाए, कर्सर, कर्सर ऑफसेट नंबर के, ऑफसेट नंबर के
जेड कॉलम में लीजिए, कर्सर ऑफसेट नंबर के जेड कॉलम में लीजिए। अगला पॉइंट, जेड 0.0 टाइप करें, जेड 0.0 टाइप करें। अगला पॉइंट, मेजर बटन प्रेस करें। अरे बता रहा हूं ऐसे करना, जेड 0.0 टाइप कर, मेजर बटन प्रेस कर, मेजर बटन प्रेस करें। ओके, तो ये हो गया जेड का ऑफसेट। अब टूल को हैंडविल से थोड़ा पीछे ले, अब टूल को हैंडविल से थोड़ा पीछे ले, थोड़ा पीछे ले, टूल की हलचल करके, टूल की हलचल करके टूल को डायमीटर के नजदीक ले, टूल को डायमीटर के नजदीक ले। अगला पॉइंट, टूल को धीरे से नीचे लेकर जॉब के डायमीटर को टच करें, इसको पूरा पकड़ के घुमाओ तो स्लो जाता है, ठीक है, नीचे लेकर जॉब के डायमीटर को टच करें। कर्सर एक्स कॉलम में ले, कर्सर एक्स कॉलम में ले, अगला पॉइंट, एक्स लेटर के सामने जॉब का डायमीटर टाइप करें, एक्स लेटर के सामने जॉब का डायमीटर टाइप करें। अब एग्जाम्पल में ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, एक्स 39.88, एग्जाम्पल ब्रैकेट में लिखिए एक्स 39.88, हर बार यही डायमीटर रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, कोई भी दूसरा डायमीटर हो सकता है। अरे आधा ही छोड़ दिया, मेजर कर दिया ना, तो रेफरेंस कौन करेगा, रेफरेंस करना, ठीक है। एक्स ऑफसेट आपका टाइप किया, उसके बाद मेजर बटन प्रेस करें, टाइप करने के बाद मेजर बटन प्रेस करें, मेजर बटन प्रेस करें, रेफरेंस करें। अभी लास्ट में क्या है, टूल को थोड़ा ऊपर ले या पीछे ले, ऐसे बोल सकते हैं, टूल को थोड़ा पीछे ले और अंत में रेफरेंस करें, और लास्ट क्या, रेफरेंस करें। उसे लिख लो, अभी उसने लिखा है, मोड कौन सा सिलेक्ट किया, देख जोग, जोग में क्या होता है, बटन से होता है कि हैंडविल से होता है, जोग में हैंडविल कैसे होगा, जोग में हैंडविल होता है, जोग में कैसे होगा हैंडविल, हैंडविल किस में होता है, मैंने कल भी बताया था थ्योरी में कि जोग सिलेक्ट करके हैंडविल घुमाते हैं और हैंडविल सिलेक्ट करके बटन दबाते, वो नहीं करना है, है ना, वो बराबर उल्टा हो जाता है। ओके,
तो इस प्रकार से हमने क्या सीखा, टर्निंग टूल का ऑफसेट कैसे लिया जाता है। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, एक एक करके सबको प्रैक्टिस करना है, दो दो बार भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद फिर हम दूसरे टूल के बारे में सीखेंगे। ठीक है,